तो चलिए दोस्तों, आज हम जानेंगे वोटर कार्ड से आधार कार्ड लिंक कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आपको प्ले स्टोर पर आना है। प्ले स्टोर पर आपको यहाँ पे सर्च करना होगा वोटर हेल्पलाइन, तो ये वाला ऐप है, तो इसको आपको डाउनलोड कर लेना होगा। डाउनलोड करने के बाद इसको ओपन करिएगा। तो जैसे ही ओपन करिएगा तो इस तरह का इंटरफेस, एक मिनट हम इसको एक बार क्लियर कर दे रहे हैं जिससे कि शुरू से इंटरफेस आपको हम बता सकें। तो सॉरी, यहाँ पे रिमूव, एक मिनट। तो इसको हम क्लियर ऑल कर देते हैं। उसके बाद यहाँ से ओपन करिएगा। तो जैसे ही ओपन करिएगा तो आई एग्री पे क्लिक करना है, नेक्स्ट पे क्लिक करना है, अपना लैंग्वेज सेलेक्ट करना है। फिर उसके बाद यहाँ पे वोटर रजिस्ट्रेशन है, इस पे क्लिक करना है। इस पे जैसे ही क्लिक करिएगा तो उसके बाद सबसे लास्ट में यहाँ पे देख लीजिए फॉर्म 6B है, इस पे क्लिक करना है। और उसके बाद माय नेम इज वोटर मित्रा, इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो लेट स्टार्ट पे क्लिक करना है। यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डालना है OTP के लिए। तो मोबाइल नंबर डाल के यहाँ पे OTP, जब आपके मोबाइल पे जाएगा तो OTP यहाँ पे आपको डाल देना है। तो OTP का वेट करना है। यहाँ पे कोई भी नंबर डाल सकते, ये नहीं है कि वोटर कार्ड वाला ही नंबर डालना है। तो यहाँ पे आप कोई भी नंबर डाल के यहाँ से वेरीफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे OTP का थोड़ा सा वेट करना है। OTP जैसे ही आती है, नेक्स्ट प्रोसेस हम करेंगे। तो OTP देख लीजिए, यहाँ पे आ गया 471574। तो फिर वेरीफाई पे क्लिक कर देना है। वेरीफाई पे जैसे ही क्लिक करिएगा तो यहाँ पे आपके पास वोटर नंबर है तो इस पर क्लिक करना है, नहीं तो इस पर क्लिक करना है। तो आपके पास वोटर नंबर होगा ही तो यस पे क्लिक करना है। यस पे क्लिक करके नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे वोटर आईडी नंबर डालना है, तो अपना वोटर आईडी नंबर यहाँ पे डाल दीजिए। चलिए हम डाल दे रहे हैं। फिर उसके बाद अपना स्टेट सेलेक्ट करना है, जो भी स्टेट से हैं। उसके बाद फैच डिटेल्स पर क्लिक कर दीजिएगा। तो फैच डिटेल्स पे क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही फैच डिटेल्स पे क्लिक करिएगा तो यहाँ पे देखिए इस तरह का आ रहा है। उसके बाद इस तरह का आएगा तो उसके बाद यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक करना है। प्रोसीड पे जैसे ही क्लिक करिएगा तो यहाँ पे जिसका भी नाम आएगा तो इस तरह आएगा, सीरियल नंबर भी आ जाएगा। तो आपको इसको एक स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप यहाँ से। और उसके बाद क्या करना है, नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे जैसे क्लिक करिएगा तो यहाँ पे जो आपको गलत लग रहा है उसको सही भी कर सकते हैं। यहाँ पे आपको आधार नंबर डालना है। अगर आधार कार्ड नहीं है तो इस पे क्लिक करिएगा। इस पे जैसे क्लिक करिएगा तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करने आएगा, तो पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस। तो आपके पास आधार कार्ड होगा ही तो यहाँ पर आधार कार्ड नंबर आपको डाल देना है। तो हम चलिए आधार कार्ड नंबर डाल के, उसके बाद यहाँ पर एप्लीकेंट का मोबाइल नंबर यहाँ पर डालना है, ईमेल आईडी डालना है और प्लेस डालना है। उसके बाद डन पे क्लिक कर देना है। इतना करके चलिए हम आगे बढ़ जाते हैं। इस तरह कर देना है। इस तरह करने के बाद आपको डन पे क्लिक करना है। डन पे जैसे ही क्लिक करिएगा तो यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह का आ रहा है। तो आपको इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे आगे काम दे। तो उसके बाद कन्फर्म पर क्लिक कर देना है। कन्फर्म पर जैसे ही क्लिक करिएगा तो इस तरह का आपको रेफरेंस आईडी मिल जाएगा। तो इसको, ये आपका जो है सबमिट हो चुका है। मेरा दो बन गया था तो पुराना वाला नहीं ले रहा है। तो चलिए हम दूसरा करके देखते हैं। फिर वोटर रजिस्ट्रेशन पे फिर ये हम एक बार और करके दिखा दे रहे हैं। तो यहाँ पे आके लेट स्टार्ट करिएगा। यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना, चलिए देखिए सेम हम वही मोबाइल नंबर डाल रहे हैं। यहाँ पे भी देख रहे हैं एक में कितना मोबाइल नंबर ले रहा है। तो यहाँ पे OTP डालना है। वेरीफाई यस, और यहाँ पे सेलेक्ट स्टेट, यहाँ पे फैच डिटेल्स पे क्लिक करना है। तो फैच डिटेल्स पे जैसे क्लिक करिएगा तो इस तरह का आएगा। तो यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। और इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह का आ रहा है। तो इसका भी हम स्क्रीनशॉट ले लिए हैं। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना है और यहाँ पे अपना आधार नंबर डालना है। तो आधार नंबर जैसे ही डालिएगा तो यहाँ पे देखिए मोबाइल नंबर फिर मांग रहा है, तो हम वही मोबाइल नंबर फिर से डाल रहे हैं। फिर यहाँ पर ईमेल आईडी हम एक डाल दे रहे हैं और यहाँ पर उसके बाद डन पे क्लिक कर देना। डन पे जैसे ही क्लिक करिएगा तो इस तरह का आएगा। तो इसको कंफर्म पे क्लिक कर देना। कंफर्म पे जैसे क्लिक करिएगा तो इस तरह का आ जाएगा। तो इसको आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। तो ओके कर देना है।